हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू फूडीज फूड। और आज हम बनाने वाले हैं चिली की रेसिपी। चिली को अक्सर हरियाणा और यूपी में प्रसाद के रूप में बनाया जाता है और बेहद ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो जब भी आपका चिली खाने का मन करे तो आपको किसी भंडारे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको इसे बड़ी ही आसानी से घर पर बना सकते हो, जो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगती है। और इनको एक स्पेशल सब्जी के साथ खाया जाता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसको वैसे पेठा, आलू और कच्ची आमी के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जो चिली के साथ ही स्पेशली बनाई जाती है। और इसके साथ एक कैरी की लौंची भी बनाई जाती है, जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देती है। तो ये है वो सब्जी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको चेक करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आप चेक कर सकते हैं। और साथ में हो ठंडा ठंडा बूंदी का रायता, तो फिर चिली का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों के साथ चिली को खाया जाता है और तब ये बन जाता है एकदम परफेक्ट भोजन। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए इस टेस्टी सी चिली की रेसिपी को फटाफट से घर पर कैसे बनाना है आइए देख लेते हैं। पर जब भी आप ये सॉफ्ट सॉफ्ट चिली बनाओ, ये मिक्स वाली सब्जी बिल्कुल बनाना ना भूलें, क्योंकि इसी सब्जी के साथ जो चिली का टेस्ट है बेहद ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो चिली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गेहूं का आटा। आपके घर में जितने सदस्य हैं उसके अकॉर्डिंग आप गेहूं का आटा ले लीजिए। अगर ज़्यादा बन भी जाएंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको 2-3 दिन तक फ्रिज में रख लीजिए और जब भी आपका दोबारा खाने का मन हो गर्म करके खा लीजिए, ये खराब नहीं होती हैं, हम इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। साथ में लेंगे हम गुड़ और चीनी। गुड़ और चीनी को हम बराबर लेंगे। इनको आप खाली गुड़ के साथ भी बना सकते हो और चीनी के साथ भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों ही लेने हैं। इनको हम गुड़ के साथ भी बना सकते हैं और चीनी के साथ भी, लेकिन हम दोनों को अगर मिलाकर बनाते हैं तो चिली एकदम अच्छी बनती है। तो जितना मैंने गुड़ लिया हुआ है उतनी ही मैंने चीनी ली है, तो गुड़ और चीनी की बराबर मात्रा लेंगे और इसको पानी में भिगो देंगे। तो मैंने पहले से ही गुड़ और चीनी का घोल बना करके रखा हुआ है। इसको हमने एक बर्तन में गुड़ और चीनी को लिया था और उसमें पानी डाल दिया था और कुछ समय के लिए 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था गलने के लिए। चीनी और गुड़ का घोल तैयार हो गया है और अब इस घोल को हम गेहूं के आटे में छानकर डाल देंगे। घोल को पहले थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ ना डालें, क्योंकि आप एक साथ घोल डालोगे तो जो चीनी का घोल है वो पतला हो जाएगा। तो हमें एक परफेक्ट बैलेंस में इसको बनाना है चीनी के घोल को, तो पहले थोड़ा ही डालेंगे और आटे में इसको अच्छे से मिला लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आटे में गुठली नहीं पड़नी चाहिए, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा घोल और डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हमें आटे को एकदम रगड़ रगड़ कर अच्छे से स्मूथ बना लेना है, इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। अब इसमें डालेंगे खाने का लाल रंग थोड़ा सा। थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें सौंफ, जो इसको बेहद ही स्वादिष्ट बनाती है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है चिलियों से सौंफ की। तो सौंफ लेकर के एक चम्मच सौंफ लिया मैंने और इसको इस तरह से हथेली से रगड़कर
घोल में डाल देंगे। तो चिली बनाने का जो घोल है वो अब परफेक्टली तैयार हो गया है। घोल ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है, तो एकदम स्मूथ घोल बन करके तैयार हो गया है। तो मैंने कढ़ाई में पहले से ही सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और आँच को मीडियम फ्लेम पे किया हुआ है। इसमें डाल दिया है मैंने एक चमचा घोल, और घोल को कढ़ाई में डालने के बाद इसको हिलाना नहीं है, ये अपने आप ही गोल शेप ले लेगा। और जब ये एक साइड से सिक जाएगा हम इसको दूसरी तरफ से पलट देंगे, और इसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये एक साइड से सिक चुका है और अब इसको दूसरी तरफ से पलट देंगे। तो देखिए दोनों साइड से सिकने के बाद हमने इसका तेल थोड़ा सा निचोड़ दिया है दो चमचे की हेल्प से। अब हम दूसरा डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा या बड़ा बना सकते हो। मैं इसको एक मीडियम साइज़ में बना रही हूँ, ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा, एकदम रोटी जितनी बड़ी रोटी होती है उस शेप के मैंने बनाए हैं। और इसके लिए मैंने ये स्पेशल सब्जी तैयार की हुई है जिसको मैंने पेठा यानी कि काफ़ी लोग उसको कद्दू भी बोलते हैं, और आलू की मिक्सचर से बनाई हुई है और कच्ची कैरी। तो इसी तरीके से अब हम सारी चिली बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए सारी चिली बनकर के तैयार हो चुकी हैं। अगर ये ज़्यादा बन भी जाएं तो चिंता मत कीजिए, इनको आप फ्रिज में रख लीजिए। जब भी आपका दोबारा खाने का मन हो इनको दोबारा से तेल में हल्का सा गर्म कर लीजिए और जी भर के खाइए। और इसके लिए स्पेशल सब्जी जो मैंने आपको बताई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बड़ी आसानी से बन जाती है। नॉर्मली जो आप पेठे वाली जिसको काफ़ी सारे लोग कद्दू भी बोलते हैं, आलू और कैरी को बड़े बड़े पीसेस में कट कीजिए और उसकी सब्जी बना लीजिए। बेहद ही आसान है लेकिन चिली के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। साथ में एक कैरी की लौंजी भी बना लीजिए और साथ में लीजिए ठंडा ठंडा बूंदी का रायता। तो ये थी हमारी चिली की रेसिपी, आपको आशा करती हूँ पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं और उसके बाद ऑल का बटन प्रेस करें। फिर मिलेंगे आपसे एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज घर पर रहें जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना जाएं, बिना मास्क के बिल्कुल भी ना जाएं। अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा बनाइए। बाय बाय एंड टेक केयर।